नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS प्रॉपर्टीज़ उत्तर प्रदेश में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहां हम प्रत्येक प्रकार की प्रॉपर्टीज़ जैसे आपका घर, आपका मकान, आपका प्लॉट, खेत या किसी प्रकार की शॉप या फ्लैट, जी हां, आप खरीदना, बेचना या किसी भी तरह से रेंट पर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो RS प्रॉपर्टीज़ के ऑफिशियल मोबाइल नंबर 9410287462 पर हमसे शीघ्र अति शीघ्र कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेहद ही सस्ते दामों पर और एक नायाब और काफ़ी बड़े आकार में एक काफ़ी बेहतर प्रॉपर्टी, जिसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो पॉइंट नंबर एक से हम स्टार्ट करना चाहेंगे इसकी डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीन जो है वो कुल कितनी है, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे ज़मीन का जो आकार है वो कुल आपका 1200 एकड़ भूमि है। जी हाँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें हम अगर छोटा बीघा में इसका आकार जाने तो ये करीबन है आपका 6000 बीघा भूमि, जो आपकी कुल 1200 एकड़ भूमि होती है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा आप हमारा कुल 5 बीघा 1 एकड़ के बराबर होता है। ये माप उत्तर प्रदेश की थी और ये जो ज़मीन है वो कुल 1200 एकड़ भूमि है आपकी। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, ज़मीन कैसी है। ज़मीन बेहद उपजाऊ और काफ़ी ज़्यादा पैदावार देने वाली भूमि है, जिसमें आप आम तौर पर खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना यहाँ नहीं करना होगा, ना ही यहाँ किसी प्रकार की बाढ़ का सामना करना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार के सूखे का। जी हाँ, यहाँ वाटर लेवल काफ़ी बेहतर है, पानी की पूर्ण व्यवस्था है यहाँ पर और किसी भी प्रकार की दिक्कत आम तौर पर यहाँ फेस नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ जो पानी है उसका क्या साधन है और कैसी क्या व्यवस्था आम तौर पर अवेलेबल है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो है आपका जो पानी की कुल गहराई वो आपकी 100 फीट से 150 फीट के अंतराल में इसकी कुल गहराई है। जी हाँ, पानी की जो गहराई है वो आपकी करीबन 100 फीट से 150 फीट के मध्य इसमें वाटर लेवल है आपका। साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे कि यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। जी हाँ, तो आप अगर यहाँ अपनी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का समरसेबल या अन्य लाइट से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आप के लिए ये काफ़ी बेहतर ज़मीन होने वाली है, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहले से ही अवेलेबल है। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे इसमें रोड के बारे में। तो रोड के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ जो रोड अवेलेबल है वो आपको 2 से 3 प्रकार के रोड आमतौर पर यहाँ मिल जाते हैं। पहला है आपका स्टेट हाईवे। जी हाँ, आपको यहाँ एक स्टेट हाईवे मिलता है जिसमें आपको 4 लाइन अवेलेबल है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, इससे एक लिंक रोड है जो 2 लाइन का लिंक रोड अवेलेबल है, जिसका आकार आपका लगभग 60 फीट का है। आगे हम बात करेंगे लिंक रोड से रिलेटेड एक और अन्य लिंक रोड है जिसका आकार 30 फीट का है, वो भी यहाँ आपकी ज़मीन से लगा हुआ है। तो रोड की यहाँ बात रही तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको रोड से रिलेटेड आम तौर पर फेस बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। सभी प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ इस ज़मीन के आसपास मिल जाएंगी, जिससे आपको इस ज़मीन पर रहने में या खेती करने में किसी प्रकार की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ सकती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स ज़मीन से रिलेटेड सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जिसका जांच पड़ताल आमतौर पर हमें करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एक ज़मीन को ख़रीदने के लिए। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी होता है खतौनी। जी हाँ, ज़मीन की खतौनी निकलवाना एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है, जिसमें ज़मीन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का वाद या विवाद या किसी प्रकार का मुकदमा ज़मीन से रिलेटेड या ज़मीन पर पहले से चल रहा है तो उसकी जानकारी हमें इसमें मिल जाती है। साथ ही साथ हमें इसमें वो जानकारी भी मिल जाती है, जैसे कि ज़मीन किस व्यक्ति के नाम पर है एवं उस व्यक्ति के नाम पर कुल कितनी ज़मीन अवेलेबल है। और हम आगे बात करेंगे इसी में
अगर इस ज़मीन पर किसी प्रकार का पहले से लोन लिया हुआ है तो उसकी जानकारी भी हमें आमतौर पर खतौनी से मिल जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आमतौर पर ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति के लिए। तो इसमें आपको व्यक्ति का नाम और उससे रिलेटेड जानकारी आमतौर पर बेहद आसानी से मिल जाएगी। अगला पॉइंट है आपका खसरा, ज़मीन का खसरा निकलवाना। ये भी एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो वो आप ज़रूर निकलवाएं। खतौनी के साथ ही इस ज़मीन का खसरा भी वहाँ से निकलवाना बिल्कुल भी तहसील से ना भूलें। अगला पॉइंट है ज़मीन का बारहसाला। जी हाँ, ज़मीन की रिलेटेड पिछली और नई जानकारी आमतौर पर आपको बारहसाला या 60 साला में अवेलेबल मिल जाएगी। तो 12 साल के अंदर जो भी उसमें घटना या किसी प्रकार का वाद मुकदमा या जिस किसी व्यक्ति ने खरीदा या किसको बेचा है उसकी जानकारी आपको 12 साल के अंदर मिल जाएगी। या इसमें ज़मीन पट्टे की है, किस प्रकार की है, तो उसकी जानकारी भी आपको आमतौर पर इसमें मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप 60 साला निकलवाने का कार्य करें तो ये आपके लिए बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं ज़मीन पर जो फसल होती है वो कौन कौन सी फसलें आमतौर पर इस ज़मीन पर आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप अनेकों प्रकार की फसलें जो होती हैं उनमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 70% फसलें आमतौर पर आप इस ज़मीन पर कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है गेहूँ और धान की खेती। जी हाँ, गेहूँ एवं धान की खेती आप इस ज़मीन पर बेहद ही अच्छे से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, ये ज़मीन बेहद अच्छी और उपजाऊ होगी आप आम तौर पर आपके धान और गेहूं के लिए। साथ ही साथ आप इस ज़मीन पर आलू की खेती भी कर सकते हैं, और आप उससे ज़्यादा अगर खेती करें तो आप इसमें मक्का की खेती, बाजरा की खेती, चना मटर एवं अनेकों प्रकार की सब्जियाँ भी इस पर कर सकते हैं। सब्जियों में आप प्रत्येक प्रकार की सब्जी यहाँ उगा सकते हैं और उसे शीघ्र मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे हम बात करते हैं चलिए इसमें रिलेटेड मार्केट के बारे में। तो ये जो मार्केट है आपका, यहाँ आपका देखिए सबसे ज़रूरी होता है एक ज़मीन के पास एक किसी मार्केट का होना। तो ज़मीन के पास मार्केट के होने से हमें अनेकों प्रकार के फ़ायदे आमतौर पर मिल जाते हैं, जैसे ज़मीन से रिलेटेड किसी प्रकार की खाद्य सामग्री है, या फसल से रिलेटेड या किसी अन्य वाहन या किसी अन्य साधन से रिलेटेड एक मार्केट का पास में होना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो ज़मीन है वो मेन मार्केट रामानुजगंज तहसील से कुल 2 से 4 किलोमीटर की कुल दूरी पर है, और जो कि आपकी ज़मीन रामानुजगंज तहसील में ही लगती है। तो इस ज़मीन पर इस पर आप देखिए खेती से रिलेटेड प्रत्येक सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा, और अगर इसके बाद भी आप एक बड़ी मार्केट का उपयोग करना चाहते हैं तो आप बड़ी मार्केट के लिए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट मार्केट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसकी कुल दूरी आपकी ज़मीन से 25 किलोमीटर की रहने वाली है। तो कुल 1200 एकड़ भूमि में आप आमतौर पर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का मार्केट यूज़ कर सकते हैं या रामानुजगंज का मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, आपका अगला पॉइंट है ज़मीन की जो कीमत है उसके बारे में। तो मैं आपको ज़मीन की कीमत समझाता हूँ और आपको उसे नोट भी करना है साथ ही साथ। ज़मीन की जो कीमत है वो आपकी 50,000 रुपये प्रति बीघा। जी हाँ, ये छोटा बीघा है 20 बिस्वे का, इसकी माप उत्तर प्रदेश में एक छोटे बीघे के तौर पर जानी जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसकी जो कुल कीमत होगी वो 2.5 लाख रुपये प्रति एक एकड़ की रहने वाली है, जो कि बेहद ही कम है अन्य ज़मीनों को लेकर देखा जाए तो। इसमें आप अगर रोड के किनारे बिल्कुल किनारे पर एक छोटी भूमि खरीदना चाहते हैं छोटे आकार में, तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपये प्रति एकड़ का पे करना पड़ सकता है, अन्यथा आपको 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का पे करना होगा अगर आप बड़े आकार में भूमि खरीदते हैं। और एकड़ और उसका साइज़ के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारा छोटा बीघा जो 5 बीघा 1 एकड़ के बराबर होता है, और ये आपकी कुल 6,000 बीघा या 1200 एकड़ भूमि है जिसे आप छोटे या किसी भी बड़े आकार में खरीद सकते हैं।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं जमीन के पास किसी एक नहर या नदी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ज़मीन है आपकी, इसके पास में आपकी एक नदी लगती है, वो है आपकी कान्हार नदी। जी हाँ, ये इस नदी की कुल दूरी आपकी ज़मीन से करीबन 4 से 8 किलोमीटर के आसपास की दूरी रहने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, यहाँ लाइट की पूर्ण व्यवस्था है, तो किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी किसी प्रकार के समरसेबल या अन्य किसी वस्तु में। और चलिए हम बात करते हैं इसकी जो लोकेशन है वो क्या रहने वाली है। इसकी लोकेशन आप नोट करिएगा, इसकी लोकेशन है रामानुजगंज तहसील, तहसील रामानुजगंज, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, जिला आपका जो है वो बलरामपुर है, और जो स्टेट लगेगा वो आपका छत्तीसगढ़। यह भूमि आपकी छत्तीसगढ़ में है। जी हाँ, आपकी जो भूमि है वो छत्तीसगढ़ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के रामानुजगंज तहसील के अंडर आती है। तो जो भी भाई इस भूमि को ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए मोबाइल नंबर पर हमसे शीघ्र अति शीघ्र कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे, आप उस नंबर पर हमसे शीघ्र अति शीघ्र कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं आबादी के बारे में। ज़मीन से जो आबादी की कुल दूरी है वो आपकी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एवं 7 से 8 किलोमीटर की कुल दूरी आमतौर पर रहने वाली है। जी हाँ, इस रेंज में आपको ज़मीन से रिलेटेड कुछ दूरी रहेगी आपकी आबादी की। तो ये आबादी की दूरी है वो किसी आम तौर पर ज़्यादा नहीं है। तो जो भी भाई इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो हम इसमें मालिक का जो मोबाइल नंबर है वो उसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से सीधा मालिक से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपने चैनल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की जानकारी। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने हमारी वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, साथ ही साथ इस वीडियो को बिल्कुल आगे भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर किसी प्रकार का ऐड कराना चाहते हैं तो हमसे शीघ्र अति शीघ्र हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9410287462 पर हमें अपनी ज़मीन का वीडियो बनाकर उसकी डिटेल के साथ हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कुछ दिनों में आपका ऐड हम अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे, जिसका आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आम तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों को अन्य कोई भी जानकारी इस ज़मीन से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो हमसे या मालिक से सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी राय आपकी हमारे चैनल को लेकर है हमें अवश्य बताएं, और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।